हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, साथ खैरियत के होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ भुने हुए चने से बनने वाली बहुत ही टेस्टी रेसिपी, तो आप भी एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। यहाँ पर मैंने एक कटोरी चने ले लिए हैं, यानी एक कप मैंने मेजर करके लिया था। चने को हमने अच्छे से हाथों से मैश कर लिया, इसके छिलके अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया एक छन्ना, इसमें डाल करके हमने इसके छिलके को अलग कर लेना है। थोड़े बहुत छिलके अगर रह भी जाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से हमने इसको छान लेना है, जितने भी छिलके होंगे वो अलग हो जाएंगे। तो अब इसको मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, दूसरे बार के भी हमने इसी तरीके से छान लेना है। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है फ्रेंड्स, आप भी एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 15 से 20 बादाम, काजू ले लिए हैं मैंने 15 से 20, इसी के साथ 3 हरी इलायची, 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया है। अब इसका हमने एक फाइन पाउडर बना लेना है। इस तरीके से हमने इसको पीस लिया है, इसको साइड पर रख देंगे। कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने गैस पर, इसमें डाल देंगे 1 कप दूध। यहाँ पर मैंने मलाई के साथ दूध लिया है, दूध के साथ ही यहाँ पर डाल देंगे चने। चने और दूध को हमने पका लेना है अच्छे से। यहाँ पर मैं इसको मिक्स करके पका लूँगी थोड़ी देर तक, जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता, जब तक कि हमने पका लेना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ी देर में सारे चनों ने दूध को एब्जॉर्ब कर लिया, ये अच्छे से पक चुके हैं। तो गैस को ऑफ कर देंगे, इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद मिक्सी जार में डाल करके हमने इसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है। तो सारे चने मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लूँगी, इसको हमने पीस लेना है बस। तो यहाँ पर मैंने चला कर अच्छे से पीस लिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने अच्छे से पीस चुका है, एकदम बारीक पेस्ट बन गया है। इसी तरीके का हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध डालकर पीसा था, गैस जला दी है मैंने, कढ़ाई चढ़ा दी। इसमें यह मैंने डाल दिया है 1/2 गिलास पानी और 1 कप चीनी। इसकी हमने एक चाशनी बना लेनी है, चाशनी हमने ज़्यादा हार्ड नहीं बनानी, ना एक तार की ना दो तार की, बस हमें ऐसी चाशनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखाती हूँ, बस आप देखेंगे यहाँ पर एक तार सा बन रहा है, बस इसी तरीके की चाशनी चाहिए। अब जो हमने चने को पीसा था वो डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चने की बर्फ़ी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनती है फ्रेंड्स, और बनाने में भी बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर हमने मिक्स कर देना चाशनी के साथ दाल को खूब अच्छे से, इसको चलाते जाना है, अच्छे से मिक्स करते जाना है, ताकि कहीं भी कोई लम्स ना पड़े, कोई भी गांठ ना रह जाए चने की। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर जो हमने पाउडर बनाया था वो डाल देंगे। सारा पाउडर मैंने डाल दिया है, ये डाल दिया मैंने केसर वाला दूध। अब अगर आपके पास केसर हो तो आप डालें, वरना इसके बिना भी ये बहुत ही अच्छा बनता है। बस यहाँ पर मैंने कलर के लिए लिया है, बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है केसर डालने से। अब इसको हमने थोड़ी देर तक पका लेना है अच्छे से चलाते हुए। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आ गया है। अब डाल देंगे यहाँ पर देसी घी। तो यहाँ पर मैं देसी घी ले रही हूँ, 2 से 3 चम्मच देसी घी डाल दूँगी। आप कभी भी कोई भी मीठी चीज़ बनाएं फ्रेंड्स, तो आप हमेशा देसी घी लास्ट में डालें, उससे टेस्ट बरकरार रहता है देसी घी का, और खुशबू भी आती है, और बहुत ही अच्छे से शाइन भी आती है मिठाई में जो भी हम बनाते हैं। अब बस इसको हमने मिलाते हुए पका लेना है थोड़ी देर तक। आप देखेंगे ये थोड़ा टाइट हो गया है, बस इसी तरीके का हमने चाहिए, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक प्लेट, इसमें घी को मैंने लगाकर ग्रीस कर लिया प्लेट को। अगर आपके पास कोई भी ट्रे वगैरह हो तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सारे मिठाई के मिक्सचर को हम डाल देंगे, और इसको हमने अच्छे से सेट कर लेना है डालने के बाद। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से डाल रही हूँ, चौकोर शेप में मैंने इसको शेप दे दी है। अब इसको हमने रख देना है फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 20 मिनट के बाद इसको निकाल लिया है, तो आप देखेंगे अच्छे से सेट हो चुकी है। ये ले लिया मैंने इसको अच्छा दिखाने के लिए चांदी का वर्क, बहुत ही अच्छा लगे ताकि देखने में। तो यहाँ पर हमने वर्क लगा दिया, अब इसके पीस काट लेंगे अच्छे से। हमने इसके एकदम बारीक बारीक से पीस काटने हैं, मतलब इक्वली पीस काट लेंगे हम मिठाई के। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये चने की मिठाई कैसी लगी। तो यहाँ पर मैंने सारे पीस काट लिए हैं, आपको चेक भी करके दिखाएंगे कितनी इजीली निकल जाती है। खाने में तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनी थी, और बहुत ही जल्दी भी बनकर तैयार हो गई थी। तो इस तरीके से हमने सारे पीसेस निकाल लिए हैं, अब यहाँ पर इसको सजा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स तैयार है हमारी चने की
मिठाई यानी बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप भी एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कैसी।